तेज में भी मेरे एक साथी ने मुझे सजेस्ट किया था, आपसे मेरी शायद बात भी हुई थी, पर उस समय डॉक्टरों ने इतना डरा दिया था कि सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा, तो मैं नहीं आ पाया। क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि बिना टाइम मुझे चाहिए होता है, तो मैं उस समय क्लोजिंग का भी टाइम था, तो मैंने सर्जरी कराना उचित समझा। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आई वो तो मैंने अभी बताई ही थे, लेकिन जब फिर उसके बाद सर्जरी हो चुकी थी, फिर सर्जरी पे भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने तो बहुत पीड़ा को सहा। सर्जरी ही अपने आप में एक टिपिकल है, और उसके बाद इन्फेक्शन ने तो बिल्कुल ही मार दिया मेरे को। फिर मैं आपके पास आया, और आपके पास आया तो उस समय हालत मेरी तो ऐसी थी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। फिर आपने जो ट्रीटमेंट किया उस पर मैंने विश्वास किया, और विश्वास और आपका जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो बिल्कुल नेचुरल है, वो नेचुरल हीलिंग की वजह से ही नेचुरल ही तरीके से मैं ठीक हुआ, और आज मैं ठीक से चल फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्या स्थिति है? जैसा मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं अपने एक पेशेंट से, जो कि बहुत ही खास है केस हमारे लिए। इस पेशेंट का नाम मिस्टर हेतराम भारती है, और इनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। इस पेशेंट को जो है वो लास्ट ईयर मई 2023 में बैक पेन यानी कि स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई थी, जो कि दर्द इनका बैक से कमर से पैरों तक भी जाने लगा था। पेशेंट की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी थी, ये चलने उठने बैठने में असमर्थ हो रहे थे। कई जगह इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, और हर जगह ने सर्जरी एडवाइस की गई। पेशेंट इतना ज़्यादा पेशेंट को डरा दिया गया था सर्जरी को लेके, और पेशेंट खुद भी इतना परेशान थे कि इन्होंने तुरंत सर्जरी जुलाई 2023 में स्पाइनल सर्जरी करा ली। बट पेशेंट का भी यहाँ पे तकलीफ कम नहीं हुई, और पेशेंट को सितंबर 2023 तक जो है पेन बना रहा, और सितंबर 2023 में इनकी वापस सर्जरी करनी पड़ी, उस जो सर्जरी हुई थी उसके इन्फेक्शन के चलते। देन पेशेंट की तकलीफें यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, कुछ दिनों के आराम के बाद ही पेशेंट को वापस से जनवरी 2024 में दोबारा से वहीं पर स्लिप डिस्क हो गई L4-L5 में, जहां की उनकी लेमिनेक्टोमी हो चुकी थी। इस बार पेशेंट को पहले की तरह बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, पेशेंट चल उठना बैठना सब मुश्किल था, खड़े नहीं हो पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। एंड अगेन पेशेंट को फिर से एक बार सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया, बट इस बार पेशेंट ने सर्जरी ना करवाते हुए पेशेंट हमारे पास दिखाने के लिए आए हैं। हमने इनका इनका एग्जामिन किया, इनकी MRI की रिपोर्ट देखी, जिसके अकॉर्डिंग इनका L4-L5 में ही जो है वो डिस्क प्रोट्यूजन हो रखा था, साथ ही साथ L5-S1 में एक एनुलर टीयर हुआ था। हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, रिपोर्ट देखी, और उसके बाद इनका पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन के बाद ये कम्फर्ट जोन में जाने लगे थे, एंड ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद आज पेशेंट का कहना है कि वो 2-3 किलोमीटर की वॉक आराम से कर लेते हैं, अपने सारे डेली रूटीन के काम कर पा रहे हैं, उठने बैठने चलने में उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ इस बीच में उन्हें कोई पेन किलर वगैरह भी अब कोई लेनी नहीं पड़ रही। लेकिन हमने उन्हें जो जो चीज़ें जैसे बताई थी, उन्होंने उस ट्रीटमेंट को वैसे ही प्रॉपर तरीके से पूरा प्रिकॉशंस के साथ फॉलो किया है। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की किसी तकलीफ से परेशान है, किसी को स्लिप डिस्क या शियाटिका है, या किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है, अगर उस कंडीशन में आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो आप हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हमारे मिलने की दो जगह हैं। पहला पता है हमारा स्वरूप क्लिनिक के नाम से, B26 हैरो स्कूल की गली, DG पुरम बरेली, और दूसरा हमारा एड्रेस है ओमचंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मीरगंज फ्लाईओवर के पास, मीरगंज बरेली। इन दोनों एड्रेस में से आप हमसे कहीं पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप बरेली के बाहर के हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। हो सकता है जिस तकलीफ़ से आप बहुत ज़्यादा समय से परेशान हो, या आपको सर्जरी बताई गई, आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, उस तकलीफ़ से आपको कुछ ही दिन के इलाज के बाद जल्द ही आराम हो जाए। तो चलिए आइए आप मुलाकात करें इस पेशेंट से, जिनका नाम मिस्टर हेतराम भारती है, और उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं उन्हें क्या तकलीफ थी और अब उन्हें कितना आराम है। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम क्या है आपका? मैं हेतराम भारती, पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ। ओके, आपकी कितनी उम्र होगी? लगभग 50। 50। तो थोड़ा सा प्लीज अपने सुनने वालों के दर्शकों को डिटेल में बताइए कि आपको क्या तकलीफ थी, कैसे शुरू हुई थी, और जिसके चलते आपने हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट करवाया है। मैम, मई 2023 में मेरे को सिलेंडर उठाने से डिस्क सेल्प हुआ था। ओके। और उस समय मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं चल फिर ना नहीं सकता था, करीब 1 महीने बिस्तर पे ही रहा। ओके। उस समय मेरा अंग्रेजी इलाज चला था सब, डॉक्टरों ने इतना डरा दिया था उस समय कि बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा। ओके। तो लगभग मैंने जून तक वेट किया, थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू हुआ, लेकिन दर्द नहीं गया और सीधे भी नहीं हो पा रहा था। ओके। फिर जुलाई में मैंने सर्जरी कराई,
अच्छा मतलब जुलाई 2023 में आपने सर्जरी सर्जरी करवाई के लिए, क्योंकि वो बारिश का मौसम था जी, उस सर्जरी के बाद चलने लगा, लेकिन हुआ क्या कि उसी बीच इन्फेक्शन हो गया, टांके पक गए और डीपली, इतना सर्जरी हुई थी सर्जरी में इतना डीपली इन्फेक्शन हुआ था कि उसको सही करने में जुलाई से लेके सितंबर में फिर अगेन सर्जरी हुई उसको सही करने के लिए, उसी के लिए सही करने के लिए। देन 2-3 महीने तक एंटीबायोटिक चले उसको सही करने के लिए जी। बहुत हालत ख़राब रही, बहुत दवाइयाँ चली, परेशानियाँ हुई हुई, लेकिन फिर ठीक हो गया था। लेकिन जनवरी में फिर मुझे एक दिन बैठ गया था उकड़ू, उसके बाद फिर डिस्क स्लिप हुई और उसके बाद फिर मुझे उठना बैठना बंद हो गया। उसके बाद आपका कहना यह है कि मई 2023 से आपको तकलीफ शुरू हुई, जिसके चलते आपने जुलाई में सर्जरी करवाई जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड फिर इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ तो जिसे हील होते हुए सितंबर ये सब का टाइम निकल गया, और फिर आपका कहना है कि जनवरी में वापस से आपको यही तकलीफ स्टार्ट हो गई, फिर से शुरू हो गई, सेम तकलीफ स्टार्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जो आपको जनवरी में तकलीफ स्टार्ट हुई थी वो सिर्फ कमर तक ही सीमित, किस तरह के सिम्टम्स थे उस समय आपके? सेम टाइम पहले राइट लेफ्ट पैर में था, इस बार राइट पैर में, राइट था, में वही चीज थी। और बैक में पेन था? बैक में पेन था। इसके साथ साथ दर्द के साथ साथ पैर में कोई झंझनाहट या सुनपन वगैरह भी जा रहा है? जी जी। तो इन सब के चलते आपके डेली रूटीन पे क्या असर हुआ हुआ था? कितना चल पा रहे थे, कितना बैठ पा रहे थे? बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, जब बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। ओके, मतलब जैसे अपने डेली रूटीन के काम होते हैं वो सब भी आप कर पा रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे। देन आपने क्या डिसाइड किया, क्योंकि आपकी दो बार तो आपने बताया सर्जरी हो गई थी। 2023 में भी मेरे एक साथी ने मुझे सजेस्ट किया था, आपसे मेरी शायद बात भी हुई थी, पर उस समय डॉक्टरों ने इतना डरा दिया था कि सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा, तो मैं नहीं आ पाया, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि बिना टाइम मुझे चाहिए होता है जी। तो मैं उस समय क्लोजिंग का भी टाइम था, तो मैंने सर्जरी कराना उचित समझा जी। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आए वो तो मैंने अभी बताए ही थे जी। लेकिन जब फिर उसके बाद सर्जरी हो चुकी थी, फिर सर्जरी पर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तो बहुत पीड़ा को सहा, सर्जरी ही अपने आप में एक टिपिकल है, और उसके बाद इन्फेक्शन ने तो बिल्कुल ही मार दिया मेरे को। फिर मैं आपके पास आया, और आपके पास आया तो उस समय हालत मेरी तो ऐसी थी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। फिर आपने जो ट्रीटमेंट किया उस पर मैंने विश्वास किया, और विश्वास ये और आपका जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो बिल्कुल नेचुरल है, वो नेचुरल हीलिंग की वजह से ही नेचुरल ही तरीके से मैं ठीक हुआ, और आज मैं ठीक से चल फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्या स्थिति है, जैसे आपने बताया उस समय आप चल फिर नहीं, उस समय नहीं चल पाया, अब तो मैं लगभग अपने सारे काम कर लेता हूँ, चल फिर लेता हूँ, कोई नहीं, 2-4 किलोमीटर पैदल भी चलता हूँ, सब कुछ है, रूटीन नॉर्मल है बिल्कुल। कभी थोड़ा बहुत दर्द अभी हल्का सा है, जो आपने बताया अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको हील होने में। इस बीच में अब आपको पेन किलर वगैरह ऐसे तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं, आपने ही बंद करा दिए थे, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया, जो आपकी दवाइयाँ थी वही चली, लेकिन हाँ आपने जो दवाइयाँ बताई मैंने उसको बहुत ही प्रॉपरली वो पूरा ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि मैं अंग्रेजी भी झेल चुका था, जो मैंने परेशानियाँ झेली, इसलिए मैं बिल्कुल भी लैप्सेस नहीं चाहता था, मैंने वो उसको पूरा फॉलो किया, और आपने भी बड़ी मेहनत की, उसमें बहुत मुझे फायदा भी हुआ। तो क्या फीलिंग है आपकी, कितना सेटिस्फाइड है? बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना होता है मैं कि बिल्कुल नहीं, मैम आपका जो उसको मैंने पहले भी अप्रिसिएट किया, अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा क्योंकि सर्जरी पर ना जाएँ, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो हील होता है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही होता है। वो तरीका आपने जो बताया मैंने समझा, उसी के हिसाब से मैंने अपनी जीवन शैली को भी ढाला, और बिल्कुल आज बिल्कुल फिट हूँ एक तरीके से, थोड़ा बहुत है वो उम्मीद है कि वो भी जल्दी सही हो जाएगा, हल्का सा फैन। Then what you feel? अभी आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बताया कि मई से आप परेशान थे, मई 2023 नहीं, से बिल्कुल लगभग एक साल होने को आ रहा है। बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ, और मुझे ये उम्मीद है कि आगे भी ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो हमारे स्पाइन में होती है वो आपने नेचुरली हील किया हुआ है, जब किसी चीज़ का नेचुरली इलाज होता है तो वो फिर हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, इसलिए मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।